नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कमर दर्द होता है तो क्या आपको अपने आप इलाज करते रहना है या आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो कमर दर्द इतनी कॉमन बीमारी है कि आजकल हर घर में किसी न किसी को कमर दर्द रहता है। अब हमें कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये कमर दर्द वैसे ही हमें ज़्यादा काम करने से हो रहा है या ये कमर दर्द सीरियस है। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ कमर दर्द सीरियस हो सकता है, जिस कमर दर्द को हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाने की ज़रूरत है। पहली है कि अगर कमर दर्द 10 साल से कम के बच्चे में या 70 साल के ऊपर बुज़ुर्ग में हो रहा है तो ये कमर दर्द सीरियस हो सकता है, हमें डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट एक एक्सरे करवा लेना चाहिए। दूसरा है, अगर हमें कमर दर्द रेस्ट पे ही हो रहा है कि लेटे लेटे भी हमें चैन नहीं है, हम बिस्तर पे लेट भी नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द है कि हम काम करने की तो छोड़ो, हम बिस्तर पे आराम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमर दर्द भी सीरियस हो सकता है। नीचे वाला कमर दर्द उतना सीरियस नहीं होता, लेकिन अगर आपको अपर बैक यानी कि ऊपर वाले हिस्से में कमर दर्द हो रहा है तो ये कमर दर्द सीरियस हो सकता है। अगर कमर दर्द के साथ साथ आपको अपने टांगों में या हाथों में सुन्नपन या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो ये कमर दर्द सीरियस हो सकता है। अगर आपको कमर दर्द के साथ साथ आपका वज़न कम होता जा रहा है, ये भी कमर दर्द सीरियस हो सकता है। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, अगर आप कुछ ऐसी दवाइयों पे हैं जैसे कैंसर की दवाइयां, थायराइड की दवाइयां, मिर्गी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां या खून पतला करने वाली दवाइयां जो हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, ऐसे किसी भी पेशेंट में अगर कमर दर्द होता है तो वो सीरियस हो सकता है। वो एक फ्रैक्चर हो सकता है जो बिना चोट के ही रीढ़ की हड्डी में हो जाता है, जिससे कमर का दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर आपके पेशाब लैट्रिन का रास्ता सुन्न हो रहा हो या आपको पेशाब करने में दिक्कत आ रही हो और साथ में कमर दर्द है तो ये भी कमर दर्द आपका सीरियस हो सकता है। तो अगर किसी को भी इन चीज़ों में से कोई दिक्कत आ रही है और कमर दर्द है तो आप डॉक्टर को प्लीज़ दिखाएं, एक बारी कंसल्ट ज़रूर करें, एक एक्सरे या एक MRI स्कैन करके डॉक्टर देखेंगे और आपको बता देंगे कि ये कमर दर्द सीरियस है या आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या आप सिर्फ़ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से इस दर्द का इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।